कुछ नहीं दिख रहा है, आपको भी कुछ नहीं दिख रहा है, ये तो फिर साइन बोर्ड पे पहुंच गया। मैंने तो वो पीछे वाली गाड़ी को देखकर इतना कॉन्शियस हुआ था कि यार बड़ी कमाल की गाड़ी है, फरारी टाइप, और ये है जनाब बैंग स्टार्स गियर फ्लां फ्लां फ्लां। ओ ले गाइस लाइट चली गई, ये भी पाकिस्तान में पहुंच गया। अबे नहीं यार ये तो लोडिंग करता है ना गाइस, वो ये देखो याद आ गया गाइस, ये मुझे यहाँ से मिला था, ये पता नहीं क्या है इसका नाम कर्सर करके, लेकिन ये है बड़ी मज़े की चीज़ गाइस। ये बाइक का बाइक है और एरोप्लेन का एरोप्लेन है, और इस पर एक लाइट भी लगी हुई है, और इस पर बैठ कर फायरिंग भी होती है, और बंदा भी नज़र आता है, और मज़े ही मज़े हैं गाइस। और इसके बैक से जो मतलब है कि इसका जो साइलेंसर है ना वो रॉकेट टाइप है गाइस, जैसे रॉकेट से वो निकलती है ना लाइटें सी, और उसका धुआं नहीं होता, बल्कि धुआं होता है गाइस, क्या रॉकेट का धुआं होता है, किसी ने रेल में देखा है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कमेंट में, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में मुझे इतना ज़रूर बताइएगा कि रॉकेट का धुआं होता है या ऐसी श्वासी होती है जैसी इस गाड़ी पर थी। और ये हम पहुँच गए हैं कहाँ पर, अभी ये कहाँ पर, ये कुछ सेंट्री का काम करने लगा है, किसके ऊपर चढ़ रहा है, कहाँ जाने का इरादा है, अबे ऊपर क्या छुपाया हुआ है गाइस, ये क्या ढूंढ रहा है, ये पागल हो गया गाइस, ये पागल हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है, ये दीवारें फलांग रहा है, आई थिंक जो बैंक लूटने के बाद अब इसे समझ नहीं आ रही कि ये क्या करे और किसको खाए, ये तो वो हो गया, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, मुझे काम बताओ। तो नो वे गाइस, ये एक और पंटर खड़ा है, और ये दो हैं, और ये एक दूसरे से बातों में मशगूल हैं, और हम चुपके से निकले इनके पास से और ट्रक में बैठे हैं, और ये कचरे का भरा हुआ ट्रक स्टार्ट। ओ गाइस ट्रक की लाइट्स देखो यार, बड़ी फिट किस्म की लाइट है, प्रोजेक्टर भी लगवाए हुए हैं आई थिंक सो इसने, और ये हम ट्रक के साथ एक स्टंट ही कर रहे हैं गाइस, क्योंकि जहाँ से ये ट्रक लेकर पतली गली से निकलने की फिराक में था ना मैं, वहाँ से हो नहीं पाता था, लेकिन हम पहुँच गए हैं पार्किंग में और पार्किंग क्रॉस कर गए हैं, और ये आ गए हम अपने कर्सर पर जहाँ हमने इस ट्रक को लेके आना था, और बाकी की कहानी इसके बाद शुरू होगी। तो अब देखते हैं इसमें क्या कहानी है। आ जाओ सामने मेरी जाने बहार गुलबदन गाइस, इसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई कूड़े वाला हूँ, क्योंकि इसका ड्रेस सेम वैसा है और कूड़े वाला ट्रक भी इसने ले लिया है, ये मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है गाइस, आपका क्या ख्याल है, मेरा तो 100% यही है। और ये कचरे का शॉपर जो कि ब्लैक कलर का शॉपर वहाँ पे कैसे हो सकता है गाइस, क्योंकि पाकिस्तान में तो ब्लैक कलर के शॉपर पे पाबंदी लग गई है, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है ना, पाकिस्तान होता तो अब तक काफ़ी बार लाइट जा चुकी होती और काफ़ी बार जो है वो पेट्रोल का इशू खड़ा हो चुका होता और पता नहीं क्या का क्या हो चुका होता, और लोग इस टाइम एक दूसरे को खा रहे होते, और हमारी करेंसी ज़ीरो पे पहुंच गई होती और डॉलर करोड़ों पे पहुंच गया होता, और हम गुर्बत में जी रहे होते। वैसे हम यही कर रहे होते गाइस, हम कचरा ही उठा रहे होते, ये वाकई पाकिस्तान है गाइस, ये पाकिस्तान ही है, क्योंकि ये जो काम कर रहा है ना फॉरेन कंट्री में खड़ा होने के बावजूद, काम वही कर रहा है जो हम करते हैं। एनीवेज छोड़ो इस बात को गाइस, हम अब वापस लौटते हैं अपनी गेम की तरफ, बात आगे चलती चलती ना जाने कहाँ को चली गई थी। तो अब ये खड़ा सोच रहा है कि मेरा जो कॉस्ट्यूम है, इस कॉस्ट्यूम में मेरे साथ कोई लड़की सेट नहीं होनी, सेट क्या भाई, तेरे से देखते ही तुझे आवाज़ आर हो जाएगी कि इसमें भी इंसान है, पहले मुझे इसका कॉस्ट्यूम चेंज करना है। और अब मरना ये है गाइस कि मैं क्योंकि न्यू हूँ इस गेम में, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि इसकी ड्रेसिंग चेंज कहाँ से होनी है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। एक और पंटर आया, वो भी मेरे जैसा ही है, वाह इसे देख के खुशी हुई गाइस कि इतने गंदा मैं अकेला ही नहीं हूँ, इस सिटी में एक और भी है। तो मैं इसका काम कर रहा था, इसने भी ये शॉपर छोड़ के आना था, और ये पता नहीं वहाँ पर गप्पे लड़ा रहा था, ये लेट आया है, इसके पैसे काटने चाहिए, क्या ख्याल है कमेंट में बताइएगा। ओ अबे धक्के क्यों मार रहा है, सब्र नहीं होता तेरे से, पहले तो खुद फिरता रहा है और अब मेरे ऊपर चढ़ रहा है, ये गाइस कोई शॉपर बचा है क्या, अबे देख तो सही यार, अबे इतने पड़े हैं, उठा लेना इनमें से कोई एक। मैं सोच रहा हूँ गाइस वो मेरे साथ नहीं आ रहा, मैं ना जाकर हेड ऑफिस इसकी कंप्लेंट करता हूँ कि ये कोई काम नहीं करता, ये सारा दिन अपनी जीएफ के साथ फ़ोन पे लगा रहता है, और मैं बेचारा शॉपर लेके भागा फिरता रहता हूँ ऐसे जैसे कि इस शॉपर में सोना है, जबकि वो देखें गाइस वो उधर से उधर फिरी जा रहा है, पता नहीं पागल का पुत्र क्या करी जा रहा है, मेरे से ही भागी जा रहा है या मेरा साथ है, ये मुझे कोई पता नहीं चल रहा कि ये मेरा साथी है या मेरे पर नज़र रखी हुई है इसने, कि जिधर मैं जाऊँ वहाँ से ये फ़रार, जिधर मैं जाऊँ वहाँ से ये फ़रार। एनीवेज दफ़ा करो इसको, हम अपना काम करते हैं गाइस। ये शॉपर तो मैं रखी जा रहा हूँ, और ये वैसे के वैसे ही पड़े हैं, बाय द वे ये मैं कर क्या रहा हूँ, एनीवे मैं जो भी कर रहा हूँ
गेम का पार्ट है, और वापस मैं अपने कचरे वाले ट्रक पे, और कचरे वाले ट्रक को मुझे रिवर्स करना है, और रिवर्स ही किया है क्योंकि मैं बहुत पोलाइट ड्राइवर हूँ गाइस। आपने देख ही लिया मेरी ड्राइविंग कितनी स्मूथ है, क्योंकि ना मुझे ये कचरे वाला ट्रक और ये कचरे वाला बंदा जहर लग रहा है गाइस। यू नो गाइस, आपको पता है कि जहर मीठा होता है? प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जिसको पता था कि जहर मीठा होता है, क्योंकि हम मोस्टली कड़वी चीज़ को कहते हैं ये तो जहर है, जबकि जहर मीठा होता है, वो कड़वा नहीं होता है। और ये हम रुकेंगे, देखा नहीं रुके गाइस, हम बिल्कुल नहीं रुके, और ये हमने कंप्लीट कर लिया है।